नमस्कार जी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। दोस्तों इस चैप्टर में हम जो बेसिक शुरुआती संख्याएं हैं उनके विभाज्यता के नियम तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ में हम जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं और जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, उन सभी से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ये भी सीखेंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2, 5 और 10 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों ये नियम एक जैसे हैं 2, 5 और 10 का, इसलिए हमने इनको एक साथ लिख लिया है। ये सभी नियम आखिरी अंक पर निर्भर करते हैं। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमको उसको केवल यूनिट प्लेस देखना है, उसका केवल इकाई का अंक देखना है, उसका केवल आखिरी का अक्षर देखना है। और अगर आखिरी का अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे कि कोई भी संख्या लिखी है, ये एक बहुत बड़ी संख्या लिखी है, तो हमको केवल ये पूरी संख्या नहीं देखनी, हमको केवल आखिरी का एक अंक देखना है 2। अगर यहाँ पर 2 है तो यह है संख्या 2 से विभाज्य होगी, या 4 है 6 है 8 है या 2 है, इनमें से कोई भी एक संख्या हो तो यह 2 से विभाज्य होगी। ऐसे ही 5 से विभाज्यता का नियम है कि आखिरी अंक 0 या 5 होना चाहिए तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 10 से विभाज्यता के लिए आखिरी अंक 0 होना चाहिए, 0 ही होगा तब ही वह संख्या 10 से विभाजित होगी। दोस्तों ये तो छोटे छोटे रूल हैं, आपको सब मालूम ही होंगे 2, 5, 10, 3, 9 और 16 तक के, लेकिन उसके बाद इन्हीं रूल्स की सहायता से हम बाकी की सभी संख्याओं को की विभाज्यता का को चेक करेंगे, वो आपको यहाँ पर सीखना है। तो पहले थोड़ा थोड़ा हम ये सभी रूल्स देख लेते हैं। 3 और 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। दोस्तों इसको एडिशन का रूल भी कहते हैं, योग का नियम भी कहते हैं। क्या होता है, 3 और 9 से विभाज्यता बिल्कुल सिमिलर ही है। अगर कोई भी अंक दिया है, बहुत बड़ा सा अंक दिया है, मान लीजिए एक संख्या दी है, ये बड़ी सी संख्या दी है, तो हमको चेक करना है कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसका जो रूल होता है कि इसके जो अंकों का योग है वह 3 से विभाज्य होगा तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसी तरीके से अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो दोस्तों इसमें क्या करना होता है, हमको इन सभी अंकों का योग निकालना होता है, 3, 2, 7, 4, 1 और 9। तो कितना आया, 3, 2, 5, 7, 12, 4, 16, 1, 17 और 20 आया दोस्तों। तो 20 आया ये, तो यानी कि 20 में हम अब 3 का भाग दे के देखेंगे तो नहीं जा रहा है, 2 शेषफल बच रहा है, यानी कि ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसी तरीके से 9 का नियम है। 9 के लिए अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। लेकिन दोस्तों इस तरीके से करना काफ़ी कठिन हो जाता है अपन को, जब बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं तो यहाँ से जोड़ चालू करते हैं और आखिरी तक जोड़ते चले जाते हैं, इससे क्या होता है गलती के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए इस नियम के लिए आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए आप 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो आप उन सभी अंकों को काटते जाइए जो 3 से विभाज्य हो रहे हों। जैसे कि मैंने यहाँ पर काटना शुरू किया, मैं सबसे पहले इस 3 को काटूंगा क्योंकि ये 3 से विभाज्य है, तो इसको जोड़ में लेना का कोई फ़ायदा नहीं है, 3 को काटो, इस 3 को भी हटाओ, 7 और 2 9 होते हैं तो इन दोनों को भी एक साथ हटा दो। अब यहाँ पर केवल बचा 5, तो मैं सीधे सीधे 5 में 3 का भाग दे के देखूँगा कि नहीं जा रहा है, ये 2 शेषफल बच रहा है, यानी अगर मैं इस संख्या में 3 से भाग दूंगा तो 2 शेषफल बचेगा और ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ऐसे ही हम 9 के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी अपने मन से एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी हमको क्या करना है, जहाँ जहाँ भी 9 जुड़ रहा हो, जैसे ही 9 हो जाए उतने को हम काट दिया करेंगे। ठीक है दोस्तों, 8 और 1 9 हो गया, इसको हमने काट दिया। इसी तरीके से यहाँ 7 और 2 9 हो गया, इसको भी काट दिया। अब बचा कितना दोस्तों, 2, 4, 6, 1, 7 7 बच रहा है, यानी कि ये भी 9 से विभाज्य नहीं है 7, यानी ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे और इस तरीके से 2 और लिखा रहता तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा 2, 4, 6 और 1, 7 और 2, 9 आ रहा था और 9 में 9 का पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाती। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पर केवल ये रखना है कि हमको पूरा एडिशन ना करके जहाँ जहाँ भी पेयर बनने हैं उनको काटते चलना है। ठीक है दोस्तों, इससे हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन कम जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 4, 8 और 16 से विभाज्यता का नियम। ये भी पहले नियम 2, 5, 10 जैसा ही है कुछ कुछ।
यहाँ पर क्या होता है, जो चार से विभाज्यता अगर हमको चेक करनी है या आठ से करनी है या सोलह से करनी है तो हमको पूरी संख्या नहीं देखनी। चार से विभाज्यता के लिए हमको आखिरी के दो अंक देखने हैं, यानी कि इकाई और दहाई का अंक ही केवल देखना है। जैसे एक बहुत बड़ी सी संख्या दी है यहाँ पर, मान लीजिए ये इतनी बड़ी संख्या दी है, तो हमको केवल आखिरी के दो अंक देखने हैं चार के लिए, ये 24। इस आखिरी के अंक को हम अपने साथ ले लेंगे 24। अगर इसमें चार से पूरा पूरा भाग जा रहा है, यहाँ पर पूरा पूरा भाग जा रहा है चार से, तो ये संख्या आपकी चार से विभाजित होगी। या फिर आखिरी के दो स्थानों पर शून्य शून्य आ जाए तो भी ये संख्या चार से विभाजित होगी। ऐसे ही आठ के लिए नियम है, आठ के लिए आखिरी के तीन स्थानों को देखते हैं। तीन स्थानों से जो बनी संख्या है वो अगर आठ से विभाजित है तो पूरी संख्या आठ से विभाजित होगी, या फिर तीन स्थानों पर जीरो 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 आ जाए। ऐसे ही 16 से विभाज्यता के लिए आखिरी के चार स्थानों का महत्व होता है। अगर आखिरी के चार स्थानों पर से जो संख्या बनी है वह 16 से विभाज्य है या फिर आखिरी के चार स्थानों पर जीरो जीरो है तो यह संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों मुझे लगता है ये सभी तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन जो आगे के नियम हैं जो सभी अभाज्य संख्याओं के लिए फॉलो करते हैं वो हम आज सीखेंगे। उसके पहले हम कुछ इन्हीं नियम पे क्वेश्चंस कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली डिविजिबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। और अधिकांशतः हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे सवाल जिनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उनको हम चुटकियों में विभाज्यता के नियमों के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, एक प्रश्न है कि यदि संख्या, ये एक संख्या दी है आपको, तीन से विभाज्य है। उन्होंने क्या बोला है कि ये नंबर है तीन से डिविजिबल है, जहाँ m और n दो धन पूर्णांक हैं, यानी m और n दो इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, तब m प्लस n मैक्सिमम माइनस m प्लस n मिनिमम की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए हैं, 16, 18, 15, अपर्याप्त आंकड़े। दोस्तों पहले आप इस क्वेश्चन को पहले खुद ही समझें और वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। तो दोस्तों चलो हम इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। संख्या क्या है आपकी, ये है संख्या, यहाँ m की जगह कोई अंक होगा, दो तीन चार, n की जगह भी होगा, और आपसे m प्लस n की मैक्सिमम वैल्यू और m प्लस n की मिनिमम वैल्यू के बीच का अंतर पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको क्या देखना है कि यह तीन से विभाज्य है, ये उन्होंने पहले ही बोल दिया है। तो सबसे पहले हम इसके अंकों का योग देखते हैं कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम काट भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक और दो आ रहा है तीन, तो इस तीन को काट दो। सात चार ग्यारह आ रहा है, तो यहाँ से काटेंगे तो ग्यारह में से कितना चला जाएगा, नौ चला जाएगा, दो बचेगा, है कि नहीं। तो दो प्लस एम प्लस एन, फाइनल हम इतना कह सकते हैं कि ये इसके अंकों का योग आया, ठीक है दोस्तों। वैसे आएगा तो ग्यारह ग्यारह प्लस तीन चौदह प्लस एम प्लस एन आएगा, लेकिन जब चौदह में हम तीन का भाग देंगे तो बारह निकल जाएगा, केवल दो ही तो बचेगा, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा लिख लिया दो प्लस एम प्लस एन। ये हो गया दोस्तों इसके अंकों का योग। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है, m प्लस n की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, m प्लस n की जगह मान लिया हमने x, x मान लेते हैं, दो प्लस x की आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और दो प्लस x की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, फिर इनका डिफरेंस करना है, ये सवाल में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखो x इज इक्वल टू कितना है, m प्लस एन। तो सबसे पहले हम देख लें कि m और n की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। m की इंडिविजुअल 0 से 9 के बीच में कोई वैल्यू रहेगी, n की भी इंडिविजुअल 0 से 9 के बीच में ही कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन दोस्तों क्या दोनों 0 हो सकते हैं एक साथ। अगर हमने दोनों को 0 कर दिया तो यहाँ पर जो एडिशन है वो 2 आ जाएगा। अब चूंकि जब एडिशन 2 आएगा तो वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए m प्लस n की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं हो सकती अगर दोनों को 0 ले लिया जाए। तो यहाँ पर कम से कम 3 तो आना ही चाहिए, तभी यह 3 से विभाजित होगी, कम से कम 3 आना चाहिए। तो कम से कम 3 आने के लिए m प्लस n की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, यानी या तो m 1 हो या फिर n 1 हो, ठीक है दोस्तों। तो m प्लस n की मिनिमम वैल्यू तो आ गई, कितनी होगी, वह 1 होगी, ठीक है दोस्तों। हमको इस पूरे की मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है m प्लस n की मैक्सिमम। तो m प्लस n मैक्स माइनस m प्लस n मिनिमम,
ठीक है, तो m प्लस एन की मिनिमम वैल्यू हो गई 1। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। मैक्सिमम वैल्यू को दोस्तों 9 और 9 हो सकती है इंडिविजुअली, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 अगर दोनों की वैल्यू 9-9 हुई, और इस 18 को हम यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस एक्स में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20। लेकिन 20 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 20 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, क्या 21 हो जाएगा, 21 भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इनमें से कोई संख्या 10 तो हो नहीं पाएगी, तो यहाँ से 20 से थोड़ा सा कम ही होगा। कितना, जो 3 से विभाजित हो जाए, तो 20 से कम ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से विभाजित होती है, वह है 18। तो हम यहाँ पर 18 को ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये 18 होगा तो m प्लस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो दोस्तों ऐसे निकाल लो, 2 प्लस m प्लस एन इज इक्वल टू 18 है, तो m प्लस एन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 में से 2 गए, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, है कि नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 16 है, मिनिमम वैल्यू 1 है, तो आ जाएगा आपका आंसर 15। ठीक है दोस्तों, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो डिविजिबिलिटी पर पूछा जा सकता है इस तरीके के। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 15। अब देखते हैं दोस्तों, ये एक काफ़ी अच्छा टाइप है जो ज़्यादातर व्यापम एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई एक संख्या दी है, उसमें कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए या कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह फलानी संख्या से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, यानी क्या जोड़ें क्या घटाएं टाइप के प्रश्न रहते हैं। तो दोस्तों इनको देखने के, इस तरीके के प्रश्न हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लेते हैं, ये संख्या ले लेते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करते हैं और फिर इसी के आधार पर क्या जोड़ें क्या घटाएं के सवालों में हमको क्या करना होगा ये देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 से पूरा विभाजित हो जाए ऐसा वो पूछ रहा है, तो 8 के लिए क्या नियम था, आखिरी के 3 डिजिट देखने हैं केवल। ठीक है दोस्तों, तो हमने हम यहाँ पर आखिरी के 3 डिजिट देख लिए, 463। अब इसमें हम 8 का भाग देंगे, अगर भाग जा रहा होगा तो पूरी तरीके से विभक्त होगी, नहीं जा रहा होगा तो नहीं होगी। 8 × 5 = 40। ठीक है दोस्तों, 8 × 8 = 64, 8 × 7 कितना होता है 56, बचा कितना 7, या इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, शेषफल आपका बच रहा है 7। अब उन्होंने क्या पूछा है कि कम से कम कौन सी संख्या घटाई या जोड़ी जाए तो यह 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों अगर यहाँ पे शेषफल आपका 8 होता तो वह शेषफल होता ही नहीं, जीरो हो जाता, 8 से भाग पूरा पूरा चला जाता, यानी कि इस संख्या में अगर हम एक जोड़ दें, एक जोड़ देंगे तो वह पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाएगी, या फिर 9 जोड़ दें या फिर 17 जोड़ दें, जैसे इसमें 8-8 जोड़ते चलेंगे इस तरीके की एक सीरीज बन जाएगी। इन संख्याओं को अगर हम इस संख्या में जोड़ देंगे, इस पूरी संख्या में, तो ये संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। घटाने की बात करें तो अगर ये शेषफल जो बच रहा था इसकी जगह अगर 0 रहता तो हम कह सकते थे कि ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अगर शेषफल को हम घटा देते हैं, घटाने की बात करते, तो अगर 7 को घटाते या फिर 15 को घटाते या फिर इसी में और 8 जोड़ते चलेंगे तो कितना 23 को घटाते, इन संख्याओं को घटाएंगे तो हमारी ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों दोनों ही तरफ एक सीरीज बनती है, लेकिन अब ये पूरी सीरीज, ये वाली सीरीज तो इनफाइनाइट तक जाएगी और ये सीरीज तब तक जाएगी जब तक संख्या आपकी 0 नहीं हो जाएगी या निगेटिव में नहीं पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सीरीज तो पूरी आपसे पूछेंगे नहीं, आपसे वह छोटी से छोटी वैल्यू पूछते हैं, ये वैल्यू पूछते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या थी, ये थी जोड़ने वाली वैल्यू, ये थी घटाने वाली वैल्यू। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि कम से कम क्या घटाया जाए, क्या पूछा जाए, कम से कम क्या घटाया जाए, तो आप डायरेक्टली शेषफल को घटाएंगे, जहाँ से जो भी शेषफल बच रहा होगा ना भाग दे के देखेंगे, उसको घटा दोगे तो आपकी संख्या में पूरे पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। और अगर क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए, ये पूछे कम से कम दोस्तों, अगर केवल ये पूछे कि क्या जोड़ा जाए तो ये पूरी श्रृंखला चलेगी आपकी। ठीक है, कम से कम क्या जोड़ा जाएगा, तो आपको क्या है, भाजक माइनस शेषफल को जोड़ना है। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर शेषफल 7 था, भाजक 8 था, तो आपको क्या जोड़ना है, 8 − 7 = 1 जोड़ना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, 1 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इस संख्या में कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए, तो कम से कम 7 घटाई जाए, या कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो कम से कम 1 जोड़ी जाए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब देखते हैं हम, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं दुनिया में, जितनी भी नंबर अभाज्य प्राइम नंबर जितने भी हैं, उन सभी से विभाज्यता का नियम क्या होता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा काफ़ी जगह अलग अलग नियम दिए रहते हैं, 7 से विभाज्यता का अलग नियम दे रहे हैं, फिर 11 से अलग, 13 का अलग, 17 का अलग, सबके अलग अलग नियम अपन को याद करने होते हैं। तो दोस्तों आज से आप ये सब नहीं करेंगे, हम एक पैटर्न बनाया है, इसी पैटर्न के आधार पर हम जितनी भी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याओं का विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं अपने तरीके से। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे अभी हम इन अभाज्य संख्याओं के नियम निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 7 का। तो दोस्तों इसमें क्या हमको सोचना होता है, 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है हमको, ऐसी इसकी टेबल देखनी है जो 10 के गुणांक से 1 कम या 1 ज़्यादा हो, 10 के मल्टीपल से 1 कम या ज़्यादा हो। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 20 से 1 ज़्यादा है, यानी कि हम यहाँ पर 21 लिख लेंगे। ठीक है, 21 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 20 प्लस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये देखो गुणा कह रहे हैं, तो जो जहाँ भी ये मल्टीप्लाई होता है, ये 20 का कौन सा गुणांक है, दूसरा गुणांक है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर प्लस लगा है ना 21, ये प्लस है, तो यहाँ पर जस्ट उल्टा कर देते हैं, माइनस लिख देंगे। अब दोस्तों इससे हम रूल कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं, उसके बाद बाकी की सभी संख्याओं के रूल हम खुद बनाकर तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 8638, हमको देखना है कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं। तो दोस्तों हमको पता होता है जो 7 का नियम है वो कुछ इस तरीके से काम करता है, यहाँ गुणा करना पड़ता है 2 का, फिर घटाना पड़ता है, ये सीखना है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, जो आखिरी का डिजिट है अपना, इसमें 2 का गुणा करना है और उसके बाद बाकी की संख्या में से घटा देना है, 2 का गुणा और घटाना। ठीक है, यहाँ से नियम से हमको मालूम चल गया 2 का गुणा और घटाना। तो ये 8 है, इसको हम 2 का गुणा करेंगे, आएगा हमारा 16, और इसमें से घटा देंगे, अब यहाँ से ये हट गया। ठीक है, इसमें से हम घटाएंगे कितना आएगा, ये 13 और 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा, 4 और 8, यही प्रोसेस हमको दोबारा से फॉलो करनी है, और ये तब तक करनी है जब तक डिजिट अपना जो नंबर है बिल्कुल छोटा हो जाए और उसमें हम डायरेक्टली 7 से भाग देकर देख लें। तो यहाँ पर 7 का डबल करेंगे 14 हो जाएगा, इस 7 को हटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे 70। अब दोस्तों 70 में तो हम 7 का भाग दे के देख सकते हैं, 70 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि ये संख्या हमारी 7 से विभाजित थी, 36 38, ये है डिविजिबल है 7 से। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से बाकी के नियम भी हम निकालेंगे। जैसे कि 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम है 10 का ऐसा गुणांक हमको देखना है 11 के लिए जो मतलब 10 से 1, 10 के मल्टीपल से 1 कम या ज़्यादा हो, तो 11 अपने आप में ही ऐसा है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10 प्लस 1। अब चूंकि यहाँ पर 10 प्लस 1 है, तो यहाँ पर गुणांक में कितना होगा 1, यानी 1 से गुणा किया करेंगे और फिर घटा दिया करेंगे। 13 के लिए ऐसा क्या है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 39 को कैसे लिख सकते हैं, 40 माइनस 1। ठीक है, ये 10 के गुणांक से 1 कम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, आखिरी के अंक में 4 का गुणा किया करेंगे और उसके बाद संख्या में जोड़ दिया करेंगे। 17 के लिए 17 दूनी 34, 17 3 51, 51 है दोस्तों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस 1, आखिरी के अंक में 5 का गुणा करके उसको घटा दिया करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 19 19 अपने आप में ही 10 के गुणांक से 1 कम है, इसको ऐसे लिख सकेंगे 20 माइनस 1, तो 2 का गुणा किया करेंगे आखिरी के अंक में और फिर जोड़ दिया करेंगे, क्योंकि हम 23 के लिए 23 3 69। ठीक है, 70 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 7 का गुणा करके 1 जोड़ दिया करेंगे। 29 अपने आप में ही ऐसी एक संख्या है, तो 29 की जगह 29, 30 माइनस 1, 3 का गुणा करके जोड़ दिया करेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए 13 का ले लेते हैं। ठीक है, एक कोई संख्या है, ये एक मैंने 5 अंकों की संख्या मान ली और मैं चेक करना चाहता हूँ ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 13 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या रूल निकाला था, 40 माइनस 1, 4 का गुणा करके जोड़ते चलेंगे। तो हमको क्या करना है, एक में सबसे पहले 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4, और इस संख्या में जोड़ देंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, 8 2 4 7। हम 8 में 4 का गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, 8 6 32, और इसको यहाँ से हटा देंगे, 4 7
सात। अब हम फिर चार में क्या करेंगे, चार में चार का गुणा करेंगे 16, इसको यहाँ से हटा देंगे और जोड़ देंगे, सात छक्के ये 13 और 9 93 हो गया। अब हम 93 में डायरेक्टली 13 का भाग दे के देखेंगे, जो कि नहीं जा रहा है, तो हम कह देंगे इस पूरी संख्या में 13 से भाग नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी अभाज्य संख्या हो उसका रूल हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन उसको सबसे पहले हम 10 के नज़दीक के मल्टीपल को ढूंढेंगे, उसका 10 के गुणांक से एक कम या एक ज़्यादा वाली संख्या हो वहाँ से ढूंढेंगे, और फिर उसको इस तरीके से लिख के ये रूल बनाएंगे। दोस्तों ये रूल क्या है, रिमाइंडर थ्योरम से बनाए गए हैं, और अगला चैप्टर हमारा रिमाइंडर थ्योरम ही रहेगा, और ये नंबर सिस्टम की जान होता है रिमाइंडर थ्योरम, थेसपल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप उसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, यानी कि जो भी भाज्य संख्याएं हैं, बड़ी बड़ी भाज्य संख्याएं हैं जिनके रूल्स हमको नहीं मालूम होते हैं, उनको उनके लिए डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वही देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बड़ी भाज्य संख्याओं के विभाज्यता के नियम, ये जो नियम है इसको रूल्स ऑफ को प्राइम फैक्टर्स भी कहते हैं, सहअभाज्य गुणनखंडों का नियम भी कहते हैं। दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक 6 से विभाज्यता का नियम नहीं बताया, क्योंकि 6 से विभाज्यता का नियम है इसी रूल को फॉलो करता है। दोस्तों क्या होता है, 6 बराबर क्या होता है 2 गुणा 3, तो हम क्या करते हैं, पहले तो उस संख्या को 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि आखिरी का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं, उसके बाद उसके अंकों का योग करके 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर वो दोनों से ही डिविजिबल है, इससे भी और इससे भी, तो वह फिर 6 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरीके से बाकी की बड़ी भाज्य संख्याओं से विभाज्यता के नियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हमने एक संख्या ली 24, हम चाहते हैं कि हमको 24 से विभाज्यता का नियम पता करना है कि 24 से कोई संख्या विभाज्य होगी, कब होगी और कब नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर कैसे निकालते हैं दोस्तों, एक तो एक इसका फैक्टर होगा तो 24 भी फैक्टर होगा, 2 है तो 12 भी होगा, 3 है तो 8 भी होगा, और 4 है तो 6 भी होगा, उसके बाद वही उल्टे होंगे, तो इसके को टोटल 8 फैक्टर हो जाएंगे। और अगर हम कहें तो ये 4 जोड़े हो जाएंगे। ठीक है, 4 जोड़े हो जाएंगे, इनमें से 2 जोड़े सहअभाज्य संख्याओं के जोड़े होते हैं, एक तो पहला है 1 और 24, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 16 ये सहअभाज्य का नहीं है, 3 और 8 ये सहअभाज्य का है, 4 और 6 ये सहअभाज्य का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमको केवल सहअभाज्य का जोड़ा देखना है। ठीक है, अगर कोई नंबर आपको दे दिया जाए, यहाँ पर एक नंबर है, ये एक मैंने अपने मन से कोई भी नंबर मान लिया। ठीक है दोस्तों, ये नंबर मैंने मान लिया अपने मन से, अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 24 से विभाजित है या नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे 24 के सहअभाज्य गुणनखंडों का एक पेयर ढूंढना पड़ेगा। तो ये 2 पेयर हमको मिल गए, 1 और 24 और 3 और 8। ठीक है, तो 1 24 से का तो नियम हमको मालूम ही नहीं है, तो इससे तो कर ही नहीं पाएंगे। हमको 3 का भी नियम मालूम है, 8 का नियम भी मालूम है, तो हम बारी बारी से इसको चेक करेंगे। अगर ये 3 से विभाज्य है तो फिर हम 8 से विभाज्यता और चेक करेंगे, और अगर ये दोनों से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या 24 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 का देखते हैं, 3 के लिए 6 को हटा देंगे, 8 4 12 हो रहा है, इसको भी हटा देंगे, 4 और 6 यानी 3 से विभाजित है। ठीक है, हमने चेक कर लिया ये 3 से विभाजित है, लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा, इसको 8 से भी विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजित होने के लिए आखिरी के 3 अंक देखेंगे, 842, इसमें 8 से भाग दे रहे हैं तो ये पूरा नहीं जाएगा, मुझको समझ में आ रहा है 840 में जाएगा, तो ये 8 से विभाजित नहीं है, यानी कि अब ये संख्या 24 से भी विभाजित नहीं होगी। अगर ये इन दोनों से विभाजित होती तो ये 24 से भी विभाजित होती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, उनने सोच लिया 24 बराबर 4 गुणा 6, वो पहले 4 से विभाज्यता चेक कर लेंगे, फिर 6 से विभाज्यता चेक कर लेंगे, कह देंगे कि हाँ संख्या विभाजित है। ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि ये सहअभाज्य गुणनखंडों के पेयर नहीं है, सहअभाज्य गुणनखंडों का एक समूह युग्म होना चाहिए, उसी से हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं 12 से हमको विभाज्यता का नियम बताना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 12 अपन को पता है 2 गुणा 6 कि 6 से विभाज्यता देख लो और 2 से चेक कर लो, नहीं ये गलत होगा। 12 के कुछ सहअभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, जैसे 4 गुणा 3, तो अब हम 4 से विभाज्यता चेक करेंगे, फिर 3 से विभाज्यता चेक करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम 2 और 6 का नहीं करेंगे, यानी कोई भी बड़ी भाज्य संख्या है उसको सबसे पहले सहअभाज्य के युग्म में ऐसे पेयर में तोड़ना है जिनके रूल्स हमको मालूम हों।
फिर उसके बाद हम उसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं आती हैं, 12, 24 इसी तरीके की आती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सभी, अब कोई भी नंबर आ जाए, चाहे आपके पास अभाज्य संख्या आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर, तो वो भी आप देख चुके हैं इस तरीके से आपको निकालना है। जो बेसिक हैं वो आपको पहले से ही मालूम होंगे, और बड़ी भाज्य संख्याएँ आ जाएंगी उनका भी आप कर लोगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग भी व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2017 को टारगेट बना के रखे हैं, उनको आप हमारे चैनल के बारे में बताइए, यहाँ पर उनका पूरा कोर्स कम्प्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद। जय माता दी।